अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको मिस्टर एसएल की एक और नई वीडियो में, जहां पर आज की इस वीडियो में हम कल की मंडे नाइट रॉ के ऊपर कौन कौन से मैच एक्सपेक्टेडली हमें देखने को मिलेंगे और कौन कौन से ऑफिशियल्स हैं इनके ऊपर तो मैं आपको इन डिटेल वीडियो बनाकर दे चुका हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल की मंडे नाइट रॉ पर मुस्तफा अली का सेगमेंट कौन सा WWE एडवर्टाइज कर सकती है। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल की मंडे नाइट रॉ पर आपको कौन कौन से ऑफिशियली सेगमेंट देखने को मिलेंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो यानी कि ये वीडियो आप देख लो, जहां पर मैंने तमाम चीजें को कवर किया है जो कि कल की मंडे नाइट रॉ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन और इसके अलावा कौन से एक्सपेक्टेडली सेगमेंट देखने को मिलेंगे आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेगमेंट हमें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक मरतबा फिर से हाइप देखने को मिलेगी, जिसमें एक्सपेक्टेडली हमें AJ स्टाइल्स वर्सेस जेवियर वुड वन ऑन वन आते दिखाई देंगे। तो ये मैच हमें कल की मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले सेगमेंट की, जो कि हमें मुस्तफा अली का पॉसिबली देखने को मिलेगा, तो लास्ट मंडे पर अपियर ना होने के बाद मुस्तफा अली ने एक ट्वीट डाली थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि कंडोलेंस टू नेक्स्ट वीक, कि हम अगले हफ्ते आकर ताजियत को करेंगे। लेकिन पिछले वीक मुस्तफा अली और रेट्रीब्यूशन के दरमियान कुछ भी बुक ना करना, इसके ऊपर फैंस और एक्सपर्ट ने WWE को काफी आड़े हाथों लिया था। तो इस वीक पॉसिबली आपको मुस्तफा अली की बुकिंग देखने को मिलेगी। वेल, कल की मंडे नाइट रॉ पर मुस्तफा अली का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है कि WWE किस एंगल में मुस्तफा अली को लेकर वाली है, रेसलमेनिया 37 के हवाले से भी और उनकी फ्यूचर बुकिंग के हवाले से भी। वेल, यहां पर जो नाम जेरे गौर आ रहे हैं, वहां पर आपको एक सिंगल मैच देखने को मिल सकता है मुस्तफा अली का अगेंस्ट जेफ हार्डी। एक आपको ये भी पॉसिबल एंगल देखने को मिल सकता है। वेल, दूसरा जो पॉसिबल एंगल WWE बुक कर सकती है कल की मंडे नाइट रॉ के लिए, वो ये है कि मुस्तफा अली का एक प्रोमो सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, जहां पर वो रेट्रीब्यूशन को आकर एड्रेस करेंगे और वो कहेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, मेरी लीडरशिप से बाहर जाकर अब उनका कोई फ्यूचर नहीं है WWE में। कुछ इसी तरह की बातें मुस्तफा अली आपको करते दिखाई देंगे। तो ये दो ऐसी पॉसिबली बुकिंग WWE बैकस्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग बता रही है कि हम मुस्तफा अली की करती दिखाई दे सकती है। वेल, कल की रॉ बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकती है मुस्तफा अली की, और हर हाल में मुस्तफा अली का कल की मंडे नाइट रॉ पर अपेयर होना बनता है। अगर आपको मुस्तफा अली कल भी मंडे नाइट रॉ पर अपेयर होते दिखाई ना दिए, तो फिर आप लोग इस चीज की होप कर सकते हो कि मुस्तफा अली को लेकर WWE के रेसलमेनिया 37 के लिए बहुत ही बुरे प्लान हैं, और किसी सिंगल मैच को लेकर मुस्तफा अली के लिए WWE के पास प्लान नहीं है। तो फिर आपको मुस्तफा अली का जो पॉसिबली मैच या फिर सेगमेंट है, वो अंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल में ही देखने को मिलेगा। वेल, कल की रॉ डिसाइड करेगी कि मुस्तफा अली का जो फ्यूचर है रेसलमेनिया 37 के लिए वो क्या होगा। तो कल की रॉ काफी ज्यादा क्रूशियल है मुस्तफा अली के फ्यूचर को लेकर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जाने से पहले आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और आप बताइएगा कि आप मुस्तफा अली की फ्यूचर बुकिंग किस सुपरस्टार के साथ देखना चाहते हो। तो फिर मिलते हैं हम जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।